जल्द जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। मैं आजकल सबसे स्टार्टिंग में पूछती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि लोग रिप्लाई भी करते हैं, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो करके। टाइम आप देख सकते हो 11:15 हो गया है, बाहर का मौसम 11 है बट स्टिल इट इज़ फॉगी आउटसाइड। बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम है, बहुत बारिश हो रही, 3-4 दिन से लाइक लगातार बारिश हो रहा है। तो मैं गलत लाइट में खड़ी हुई हूँ, ऐसे खड़ी होती हूँ। तो यस, अभी बज रहा है 11:15, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, अब मैं लंच बनाने जा रही हूँ। अब आप पूछोगे कि व्लॉग क्यों बना रही है, तो मैं व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल बाटी, माई ऑल टाइम फेवरेट है रेसिपी। एंड बहुत टाइम से नहीं खाया, बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ दाल बाटी। बाकी क्या, गर्मी वर्मी हर जगह सब कुछ आ गई, यहाँ खा सकते हो अभी गर्मियों में भी क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है कि ठंडा ही है, तो आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो। छोड़ते हैं बात सारी बातें, बात करते करते टाइम हो गया एंड पीछे मैं कुछ और काम भी करने चली गई थी। बनाते हैं दाल बाटी। दाल बाटी लाइक ट्रेडिशनल जो राजस्थानी डिश है, आप सबको पता ही होगा, है ना। मैंने कैमरा शायद से फिर से उल्टा रख लिया है, कोई नहीं। तो आज मैं बना रही हूँ वही दाल बाटी एंड चूरमा साथ में। वैसे बहुत टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, बट बहुत ना ब्रेक ले लेकर के होता है, तो इसमें आपको बहुत देर तक खड़े होकर के काम करने का नहीं है। लाइक एक जगह आपने दाल बनने के लिए रख दिया तो दाल कुकर में बन जाएगी, फिर तड़का लगाना होता है। बाटी के लिए कि सिर्फ आटा गूंद दिया। मैं अवन में बनाऊंगी आज बाटी, और आप गैस की तंदूर पर भी बनती है, बहुत तरीके से बनती है ना, कंडों पर भी बनती है, जो उपले बोलते हैं शायद से उसको, कंडे बोलते हैं हमारे साइड पे, उसमें भी बनाते हैं जो रात में स्मोकी फ्लेवर है ना। मेरे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो मैं जो अवन है उसमें बनाऊंगी, राइट। तो मैं वही दिखाऊंगी आपको। और चूरमा है जो बाटी हम बनाते हैं उसी से बनता है, दो तरीके से, या तो बाटी होती है उसकी मुठिया बना करके उसको घी में फ्राई करके और फिर उसको पीस करके बनाओ, या फिर बाटी बनाकर उसको पीस कर फिर उसको फ्राई करके फिर बना लो, डिपेंड कैसे बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं शायद से उसको बाटी बनाकर ही बनाऊंगी, वो शायद से ज़्यादा इजी है क्योंकि मुठ्ठी अलग से घी में तलना और वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है। बाटी बहुत हैवी खाना है क्योंकि पूरा घी में बनता है, तेल का कुछ काम नहीं होता है करके, वंस इन अ वाइल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है लंच टाइम, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो दाल है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ बना रही हूँ पचमील दाल। उसके लिए बेसिकली 5 दाल चाहिए होती है, मेरे पास 5 पूरी नहीं थी तो मैं यहाँ 4 दाल यूज़ कर रही हूँ, मूंग की, मसूर की, चने की और उड़द की। अरहर की दाल नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। इसको वॉश करके रख दिया है मैंने 15 मिनट के लिए भीगने के लिए। उसी बीच में मैं आटा गूंथ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा सूजी डाला है क्योंकि ये क्रिस्पी करेगा बाटी को। आटा जो है बहुत बारीक था, अगर आपका आटा मोटा है तो आप सूजी को स्किप कर सकते हैं। सॉल्ट स्वाद अनुसार डाला है और हल्का सा डाला है अजवाइन, जिससे डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है, बहुत पिंच, क्योंकि अवन में बना रही हूँ इसलिए। अगर आप इसको गैस पर बना रहे हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें धीरे धीरे घी ऐड कर रही हूँ। घी की मैं आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कितनी डाली स्टार्टिंग में, क्योंकि आटे पर डिपेंड करता है आटा कितना घी एब्जॉर्ब करता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान यही है कि जब आप देखें कि आटे में घी इतना हो गया है कि आपका आटा क्रम्बल होने लगा है और मुट्ठी में ले रहे हो तो वो बाइंड हो रहा है, तब तक घी डालना है। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून घी डाला है और पूरा मिला के। अब हम इस आटे को गूंध ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है और आटा हमें टाइट गूंदना है। इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, क्रम्बल ही रहने देना है, उससे जो बाटी है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। हमें मतलब रोटी के तरीके से आटे को सेट नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको भी हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पर दाल बना रही हूँ, तो कुकर में ले लिया है और पानी डाल देंगे प्रॉपर से। मैंने लाइक इसमें कुछ 2 कप के करीब पानी डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और नमक, दैट्स इट, अभी कुछ और नहीं डालना हमको। और सीटी लगाने के लिए रख देंगे। और इधर मैं अवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दे रही हूँ 180°C पर। yes, तो मैंने 10 मिनट के लिए दाल बनने के लिए रख दिया है, यहाँ पर आटा गूंद के रख दिया है, अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया 180°C पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आटा
अच्छे से फूल जाएगा, 10 से 15 मिनट लगता है उसमें। फिर हम बाटियां बना करके इसके अंदर रख देंगे, है ना। और दाल को भी हमको 4 से 5 सीटी तक ही पकाना होता, उससे ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो ये दो काम हो गए हैं। अब मैं बीच में अब क्या कर ले रही हूँ कि जो दाल का जो तड़का लगाना है उसका सामान काट ले रही हूँ। चाहिए लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज, टमाटर। तो मैं दाल बनानी होती थोड़ी सी गाढ़ी बनती है और थोड़े से ज़्यादा मसाले के साथ बनती है, मतलब उसमें प्याज मटर प्याज टमाटर वगैरह जो होते हैं वो अच्छी ना उसमें अच्छा अमाउंट होना चाहिए। तो यस, मैं वो काट ले रही हूँ अभी, उसके बाद फिर बाटी बनने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 कलियाँ लहसुन की और कुछ 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले रही हूँ। इसमें लहसुन अदरक जो है बहुत ज़्यादा लगता है दाल के तड़के में, और मैं ग्रेट कर ले रही हूँ इनको, क्योंकि काट करके थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। और उसके बाद में जो प्याज टमाटर है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा दाल नहीं बनाई है, उस हिसाब से मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो एंड 1 प्याज ले रखी है, और इनको हम बारीक बारीक ही चॉप कर लेंगे। प्यूरी नहीं इसमें हम डालेंगे बना करके, क्योंकि उससे जो दाल का जो कलर है वो थोड़ा सा माइल्ड टाइप्स हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ इन सब चीज़ों को चॉप कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से। आटे को भी 10 मिनट हो ही गए हैं रेस्ट किए हुए। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा मल लेंगे, बहुत ज़्यादा सेट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैं अभी बाटी जो है वो प्याज टमाटर जो है काट लिया था, बाटी बनाने जा रही हूँ। तो मैं बाटी यहाँ पर 3 तरीके से आपको बना करके बता रही हूँ, आप तीनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और सिर्फ हमें बाटी का आटा गूंथते टाइम और बाटी बनाते टाइम सिर्फ एक ही बात का हमें ध्यान रखना है कि हम इसको जो आटे रोटी बनाते टाइम जो हम उसकी जो लोई गूंथते हैं आटा, पहली बात तो जो आटा गूंथते उतना हमें सॉफ्ट नहीं गूंथना है। प्लस जिस जब हम रोटी बेलते टाइम में आ रही है कुकर में, इधर आती हूँ मैं, और रोटी बेलते टाइम में जब आटे की लोई जो होती है उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं, हमें वैसे नहीं करना है। हमें रफ़ रफ़ बनाना होता है, रीज़न कि जिससे कि वो अंदर तक सिके और क्रिस्पी सिके, पूरा अंदर तक कच्ची ना रह जाए, है ना, गिलगिली ना हो जाए उसके चलते। और हम इसको बहुत ही टाइट आटा गूंथते हैं, रोटी जैसा पूड़ी जैसा आप बोल सकते हो, और रफ़ रखना होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ 3 तरीके से, आप किसी भी तरीके से जो आपको ईजी लगे आप बना सकते हो। तो बाटी बनाते हैं। सो जो सबसे पहला और आसान सा तरीका है वो है ये कि आप देख सकते हैं मैंने अवन में बना रही हूँ, साइज़ बहुत छोटा सा लिया है। आप बाटी बड़ी भी बना सकते हो, मैं इस साइज़ की बना रही हूँ। आपने देखा मैंने इसको सिर्फ हथेली के बीच में हल्का सा लिया और प्रेस कर दिया है, दैट्स इट। इसके जो कोने खुले हुए हैं इन्हें हमें सील नहीं करना है, ऐसे ही रखते हैं इसको बना करके। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको प्रॉपर से जो एक बाटी का फॉर्म होता है जैसा मिलता है मार्केट वगैरह में उस तरह से करना है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल इस तरह से बॉल बनाना है और बीच में एक अंगूठे की सहायता से छेद कर देना है। आपको जो क्रैक्स दिख रहे हैं आपको इनको सील नहीं करना है, उसे उनको जैसे हैं ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है। रफ़ रखना है हमको, लोई को सॉफ्ट नहीं करना, ध्यान रखना है इस बात का। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है जो प्रॉपर से एक राजस्थानी घर में बनाया जाता है, वो तरीका ये है, लोई लेकर के हम इसमें एक ट्राई करेंगे प्लस का साइन बनाना, फिर हम इसको इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ एक बार फिर रोल करेंगे, फिर हम ये प्रोसेस सेम प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। ऐसा करने से ये होता है कि आटा आपका बीच में गैस बन जाएगी, तो जब आप बाटी सेकोगे स्पेशली इन अवन तो ये अंदर तक प्रॉपर सिकेगी, ठीक है, इवनली सिकेगी एंड क्रिस्पी रहेगी, ठीक है, कच्ची नहीं रहेगी। तो ये एक तरीका हो गया, और आप देख सकते हैं बीच में छोटा सा प्लस का साइन जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो हम इस तरीके से सारी बाटी बना लेंगे। आपको जो भी तरीका सही लगता है, इजी लगता है, आप उस तरीके से सारी की सारी बाटियाँ रेडी कर लें। तो ये बाटी रेडी हो गई हैं, इनको मैंने बेकिंग ट्रे में रख लिया है, नीचे सिल्वर फॉइल लगा दिया है, और अब मैं इनको बेक होने के लिए रख दे रही हूँ। मैंने 30 मिनट के लिए रखा है, ठीक है, और बीच में हम उनको चेक करते रहेंगे। इधर जो दाल है वो भी हटा दी है, अब हम जो दाल है पचमेल दाल उसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का जो लगता है इस दाल का वो घी में ही लगता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाला है, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट डालते हैं। उसके बाद डाल रही हूँ 2 ली लौंग और इलायची।
अलॉन्ग विथ तेज पत्ता एंड जीरा. थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, टेस्ट भी बढ़ाता है साथ में डाइजेशन प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है. उसके बाद जो ग्रेट करके हमने सामान रखा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक डाला, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें अनियन डाल देंगे. अनियन को हमें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है. आप देख सकते हैं इस तरीके की हल्की सी क्रिस्पी हो जाए, उससे दाल का कलर अच्छा आएगा, ऑयल जो है वो प्रॉपर से सेपरेट हो जाएगा. और बीच बीच में आप देख सकते हैं जो बाटी है हमें उसको टर्न करते रहना है, चेक करते रहना है, जिससे कि वो जले नहीं. टमाटर मैंने इसमें डाल दिया था, हम इसको मिक्स होने देंगे अच्छे तरीके से. अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर. आप रेड चिली खाते हैं तो डाल सकते हैं, ग्रीन चिली मैंने ऐड नहीं की है जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स. तो अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आपके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं. अब मैंने लास्ट में इसमें पानी डाल दिया जिससे कि मसाला पक जाए अच्छे से. और दाल भी होकर के रेडी है. इस दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि इसमें जो भी सारी दाल मैंने ली है वो सारी ही धुली हुई दालें हैं. 15 मिनट हो गए हैं बाटी को. अब हम आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है और नीचे से सिक गई है. अब हम इसको एक बार ही टर्न कर देंगे सारी बाटी को, जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से सिक जाएगी. मसाला भी रेडी है. हम इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक इससे जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए, किनारी पर ऑयल ना आ जाए, तब तक हमें इसको पकाना है. और जैसे ही ये पक जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे दाल. दाल ऐड कर दी है और आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं. इसमें तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि वैसे भी जब आपको बाटी के साथ खाना है तो हल्का सा, आप इसको एकदम से गाढ़ा नहीं रख सकते क्योंकि जो बाटी जब आप इसमें अगर डिप करके खा रहे हो दाल में तो वो पानी को एब्जॉर्व कर लेती है. तो इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है, मिक्स कर दें और धनिया डाल दें जेनरस अमाउंट एंड इसको फिर ढक करके रख दें. दाल बन करके रेडी है. तो यस, दाल मेरी बन चुकी है. बंद कर दिया मैंने गैस और ये भी 5 से 7 मिनट में और बाटी हो जाएंगी. बाटी जैसी हो जाएगी इसमें से 2 या 3 बाटी निकाल करके मैं उसका चूरमा बनाऊंगी. और जो चूरमा है आप आराम से लड्डू, आप इसको ड्राई भी रख सकते हो चूरमा की फॉर्म में, मतलब क्या कहते हैं उसको, बिखरा बिखरा पंजीरी टाइप जो होता है वैसे भी रख सकते हो, या फिर इसके लड्डू बांध करके भी रख सकते हो. तो जैसे ही बाटी बन जाएगी मैं उसमें से 2 से 3 निकाल के ठंडी करके फिर उसके चूरमा रेडी कर लूँगी. तो अभी टाइम हो रहा है 12:20. मैंने 11:40 पे खाना बनाना स्टार्ट किया था. मैंने बोला कि टाइम ये चीज़ ज़्यादा नहीं लेती, बस जो इसकी प्रिपरेशन है एक बारी वो हो जाए उसके बाद दाल बाटी इज़ लाइक झटपट से बन जाने वाला खाना होता है. दाल बाटी, दाल बाफले, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं. तो यस, पूरे 30 मिनट्स हो गए हैं. बाटी को हम एक बार निकाल करके चेक कर लेंगे. अगर आपको लगता है सीखी नहीं है तो आप इनको 5 से 7 मिनट तक के लिए और रख सकते हैं. बट आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्रिस्पी हो गई है पूरा अच्छे से. आप चाहे तो एक बाटी को तोड़ करके चेक कर सकते हैं. मैंने ये 3 से 4 बाटी निकाल ली है चूरमा के लिए. और जो बाटी मुझे सर्व करना है उनको मैं कर रही हूँ कि एक पॉट में मैंने घी ले लिया है. अब हम इन बाटी को इसमें डिप कर देंगे. मेक श्योर कि आप इसको गर्म घी में ना रखें, अदरवाइज़ बाटी जल्दी ही जल जाती हैं. तो आपको सिर्फ इनको डिप करके रखना है. और मीनवाइल मैं जो चूरमा के लिए बाटी है उनको क्रैक कर ले रही हूँ, उनको अब हम पीसेंगे. तो आपने देखा मैंने बाटी सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए डाल करके उसमें डिप करके रखी है, बाहर निकाल ली है. ये चूरमा के लिए मैं बाटी को ग्राइंड कर ले रही हूँ. आप देख सकते हो इस तरह से फाइन पाउडर बन करके हुआ है रेडी. अब मैं सेम जार में 3 से 4 इलायची ली हुई है, थोड़ी सी शुगर लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, उसका भी पाउडर बना ले रही हूँ. उससे ये होगा कि सारी चीज़ें एक साथ प्रॉपरली आराम से मिक्स हो जाएंगी. एक साइड रख दें. अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे, 2 टेबल स्पून आप देख सकते हैं. इसमें डालूँगी बाटी. अब हमें इसको भूनना है मीडियम आँच पे 3 से 4 मिनट के लिए. बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 3 से 4 मिनट इज़ इनफ, क्योंकि ऑलरेडी जो बाटी है वो पकी हुई है, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है. एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे. उससे पहले शुगर नहीं मिलाएंगे, जब ठंडा हो जाएगा तभी, अदरवाइज़ ये गीला हो जाएगा. धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल हमें इसको में शुगर मिलाना है, जिससे कि आपको टेस्ट का पता रहे और एकदम से ज़्यादा ना हो जाए.
अब हम इसके लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं कटोरी में, चम्मच से खा सकते हैं। अगर आपको चूरमा के लड्डू पसंद है तो आप बना लें अकॉर्डिंग टू लाइक योर चॉइस, कैसा साइज़ और क्या शेप आपको पसंद है। मैं बहुत नॉर्मली उंगली की सहायता से चूरमा के लड्डू बांध करके रख रही हूँ मुठिया फॉर्म में, गोल शेप का लड्डू नहीं बना रही हूँ। तो ये लड्डू भी बन करके रेडी है। यस, तो चूरमा के लड्डू भी बन करके रेडी हैं, दाल बाटी भी बन गई। चीज़ें यहाँ बताना चाहती हूँ, मैंने जो लड्डू बनाए हैं आप हंसना मत देख करके, मैंने थोड़े से इसको इस मतलब ना जिस तरह से नॉर्मल से जो लड्डू बनाते हैं गोल, उस तरह से नहीं बनाए हैं मैंने, उंगलियों की सहायता से बनाए हैं। तो इसमें जो शेप है ना वो थोड़ा सा मुठिया जैसा ही आया है चूरमा के लड्डू का, मुझे पता नहीं क्यों। ये ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेप के अच्छे नहीं लगते, जैसे बाटी होती है आड़ी टेढ़ी, वैसे ही चूरमा के लड्डू भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ऐसे बनाए, आप चाहे तो गोल बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे करके। तो अभी बच गया है एक, लंच हो गया है मेरा, रह गया है करना है। तो यस, मैंने ट्राई किया मेरे साइड से बेस्ट बताने का कि कैसे मैं बनाती हूँ दाल बाटी। अवन का मैंने सब कुछ बता दिया कि अवन में आप किस तरह से बना सकते हो, 30 से 35 मिनट में बनकर के रेडी हो जाती है 180 डिग्री सेल्सियस पर, एंड बीच में एक दो तीन बार आपको पलटना होता है उसको, जिससे कि वो इवनली सिक जाए, राइट। तो दाल बाटी चूरमा इज रेडी, अब मैं खाऊंगी झटपट से। और क्लीनिंग भी कर लिया मैंने, सारा हो गया करके, और ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है अब तो। और मौसम आपको मैं दिखाऊँ, थोड़ा सा बाहर बहुत फॉग हो रखा है, मतलब अभी आई थिंक इसमें नहीं दिख पा रहा होगा मे बी शायद से आपको, बट बहुत बहुत ज़्यादा, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है। तो यस, मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी अब, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर करें, जिसको भी दाल बाटी पसंद हो राजस्थानी, अगर कोई आपका फ्रेंड हो मालवा का हो उसके साथ ज़रूर 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 शेयर करें इस वीडियो को। और मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, व्लॉग या कोई सिंपल सी रेसिपी या जैसे भी करके। तो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। एंड यस, अगेन आई विल से द सेम थिंग, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।